Hello students, in the previous video we completed 11 numerical problems from exercise 6E. Let's continue with the remaining 7. See, now the problems from 12 to 18 are based on two digit numbers. So for this two digit numbers you need to remember few important concepts. Now what is a two digit number? See, let's say I take a number 23. If in this number you see this 3 is the units place and 2 is in tens place. If you remember in your a few years back you have studied what is place value, that the number which is on units in unit stage, units place, is getting multiplied by 1. The number which is in tens place will get multiplied by 10. To calculate the place value, that means ye 3 kya hai, this is 3 into 1 and this 2 is 2 into 10, and when you add this, 2 into 10 is 20 plus 3 into 1 is 3, that gives you 23. Okay, so the units digit if you say is 3. Tens digit ki agar baat karu main, tens digit is 2. Lekin jo is tens digit ka number hai uski place value kya hai, uski place value hai 20. करेक्ट, ये बात याद रखनी है. सो इन दीज सम्स वी ऑलवेज टेक द टेंस डिजिट एज एक्स एंड द यूनिट्स डिजिट एज वाई. ओके, सो माई नंबर इज, माई टेंस डिजिट इज एक्स एंड माई यूनिट्स डिजिट इज वाई. सो द वैल्यू ऑफ माई नंबर, सी दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नंबर. हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नंबर? यू मल्टीप्लाई द यूनिट्स डिजिट बाय 1 and the tens digit by 10. Correct. So this will become 10 into x plus y. This is the value of this number. समझ आया ये 10x plus y कैसे आया? वैसे आपको ये learn करना है, but मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि कैसे derive होता है. जो units digit होता है, किसी भी number की अगर value find करनी है तो उसके units digit को 1 से multiply करते हैं, tens digit को 10 से multiply करते हैं, तो वह number क्या मिलता है? 10x plus y. So x is the tens digit. If they ask you a two digit number, if they say a two digit number, or they simply say a number, तो उसका मतलब होता है it is 10x plus y. अगर एक ऐसे कहा, अगर अ टू डिजिट नंबर, या बोला अ नंबर, सिंपली अ नंबर वर्ड यूज किया, अ सर्टेन नंबर या अ टू डिजिट नंबर, तो उसका मतलब होता है 10x plus y. अगर कहा कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स बोला, सम ऑफ द डिजिट्स मतलब इस नंबर में द डिजिट्स आर 3 एंड 2, सो सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा? 2 प्लस 3, दैट इज 5. करेक्ट. सो सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब होता है x plus y. ओके, सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब क्या होता है? x प्लस वाई, दोनों डिजिट्स को ऐड करना. ठीक है, देन अ टू डिजिट नंबर. अब अगर इस टू डिजिट नंबर को मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स मींस इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, सो ये 23 बन जाएगा 32. करेक्ट, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. सो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स का मतलब क्या है? अब ये 2 आ गया यूनिट्स प्लेस पे और 3 हो गया टेंस प्लेस पे. सो अब ये जो 3 टेंस प्लेस पे, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स उल्टा हो गया. जो एक्स वाई था पहले, वो अब वाई एक्स हो गया. करेक्ट. सो इफ दे आस्क यू इंटरचेंज डिजिट्स या व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड,
ठीक है, ये मैं आपको फ्रेजेस दे रहा हूँ जो क्वेश्चन में यूज़ करते हैं बार बार, सो यू मस्ट नो देयर मीनिंग। इंटरचेंज डिजिट्स और डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर ऐसे बोला तो आपको यूज़ करना है 10y+x। ओके, सो दिस थ्री थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर इन द ऑल द सम्स विच आर वी आर गोइंग टू डू नाउ, दिस विल बी वेरी यूजफुल। ओके, लर्न इट। सी, देर इज नो एक्सप्लेनेशन गिवन इन टेक्स्ट बुक हाउ दिस नंबर्स केम, वॉट इज प्लेस वैल्यू, बिकॉज दे अज्यूम दैट यू नो एवरीथिंग। सो बेसिकली यू हैव टू लर्न देम। ओके, लर्न दिस दैट टू डिजिट नंबर मीन्स 10x+y, सम ऑफ द डिजिट्स मीन्स x+y, इंटरचेंज डिजिट्स और डिजिट्स आर रिवर्स्ड देन इट इज 10y+x। ओके, दिस इज द वैल्यू। ओके, डोंट सी दिस सेपरेटली 10x एंड y, दिस इज वन वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 5, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 5, सम ऑफ द डिजिट्स इज 5 मीन्स x+5 इज 5। ओके, अच्छा, बिफोर दैट, फॉर एवरी सम यू विल बिगिन द सम लाइक दिस, लेट द 10th डिजिट बी एक्स एंड द यूनिट्स डिजिट बी वाई। यू विल बिगिन द सम लाइक दिस फॉर एवरी सम, लेट द 10th डिजिट बी एक्स एंड द यूनिट्स डिजिट बी वाई। वंस यू हैव दिस, x+y इज 5 बिकॉज दे हैव टोल्ड इन द क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली दैट सम ऑफ द डिजिट्स इज 5। नाउ नाउ दे आर सेइंग इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द रिड्यूस्ड नंबर, द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दिया तो 10y+x हो जाएगा, करेक्ट। अब उनके कहने का मतलब क्या है कि द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27, मतलब सी समझो नंबर है 32, अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स करता हूँ तो ये हो जाएगा 23, तो मतलब ये नंबर छोटा हो गया अभी, करेक्ट। 32 का 23 हो गया, कितना कम हो गया, 9 कम हो गया, करेक्ट। सो देन व्हेन, सो इफ आई से दिस इन वर्ड्स, व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज द नंबर रिड्यूस्ड बाय 9, अंडरस्टूड। मीन्स जो ओरिजिनल नंबर था माइनस जो अब न्यू नंबर मिला है उसका डिफरेंस क्या है, 9। दिस वॉज द ओरिजिनल नंबर, दिस वॉज आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, उनका डिफरेंस क्या है, 9। इसका मीनिंग समझ रहा है, तो यही चीज़ क्वेश्चन में लिखते हैं। अभी उन्होंने क्या बोला है, दैट व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27। सो मीन्स द ओरिजिनल नंबर माइनस द रिवर्स नंबर इज 27, एम आई करेक्ट? सो जस्ट इग्नोर दिस, ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर, सो ओरिजिनल नंबर इज ऑलवेज 10x+y माइनस द रिवर्स नंबर इज 10y+x, दैट इज इक्वल्स टू 27। ओके, सो सी, इट विल टेक टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बिकॉज टू डिजिट नंबर इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, बट यू विल, बस दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक, दिस इज नॉट देयर इन एनी बुक, सो लर्न बाय हार्ट दिस व्हाट आई हैव गिवन यू। वंस यू आर थरो विद दिस, सम्स विल बिकम वेरी इजी। सो 10x+y द ओरिजिनल नंबर माइनस द रिवर्स नंबर इज 27। लेट्स सॉल्व दिस। So 10x+y minus 10y minus x equals 27. So 10x minus x is 9x. Y minus 10y is minus 9y equals 27. I'll take 9 common here. So this was my first equation, x+y is 5, and this is my second equation, x-y is 3. Now you can easily solve this question, easily solve this. See, x+y is 5, x-y is 3, add it, x+x 2x, y will get cancelled, equals 5+3, 8.
So what do you get x as? 4. Now once you have x as 4, you can easily find y. So substitute this, let's say I substitute in this equation. So x minus y is 3 means 4 minus y is 3. So minus y is equals to 3 minus 4, that is minus 1. So y is 1. Y is 1. Substitution is very easy, substituting. Okay, now I get x as 4 and y is 1. Means my tens digit is 4 and units digit is 1. So I will write, therefore, the number is 41. Okay, or you can also say number is 4 into 10 plus 1 into 1. That is 40 plus 1, which is 41. Ye maine kya kiya? 10x plus y kiya. Usme bhi karoge, toh bhi answer same hi aayega. Okay, so basically you have to understand the number is 41, tens digit, units digit. Samajh raha hai? 4 plus 1 is 5. Isse question banaya tha. Okay, you can check also. That agar number ko reverse karenge, toh 41 will become 14. And when you subtract this, the difference will be 27. Okay, so this is your answer. I hope this is clear. Let's see the next sum. This part is most important. Thirteen sum. The sum of the digits of a two-digit number is 7. Sum of the digits is 7. X plus y is 7. If the digits are reversed, the new number decreased by 2 means if the digits are reversed. If the digits are reversed, then the new number will be 10x plus y. Reverse digit karne ke baad ye number aata hai 10x plus y. What they are saying is, if the digits are reversed, the new number decreased by 2, means decrease this new number by 2, equals twice the original number. What is the original number? Original number means 10x plus y. Okay, so the new number means the interchange digit wala number. New number decreased by 2 equals twice the original number. Okay, I'll solve this. Shift it on left side. ये 2 जो है माइनस 2 इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा. 10y माइनस 2y इज 8y. x माइनस 20x इज माइनस 19x इक्वल्स 2. दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. ओके, now I leave it up to you. You solve these two equations simultaneously. Okay, what do you do? I'll give you one. First of all, arrange this equation. Y pehle hai, x baad mein hai. Theek hai, to isko ulta likh do. Isko likh do y plus x equals 7. Wo zyada better hai. Okay, ab kisko same banaoge, kaun se variable ko? Y ko same bana do, it would be better. To is equation ko 8 se multiply kar do. Ye pure equation ko 8 से मल्टीप्लाई कर दो. सो क्या हो जाएगा? 8y माइनस 19x इक्वल्स 2. और जब इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 8y प्लस 8x इक्वल्स 87 जा 56. एंड देन यू विल सॉल्व इट, यू विल इजीली गेट द आंसर. ओके, दिस पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द सम. The 14th sum says that 10th digit of a 2-digit number, 10th digit matlab kya hota hai? 10th digit means x.
tens digit of a two digit number is 3 times the unit's digit. Tens digit is, just a second, yes, the tens digit is, tens digit x is 3 times the unit's digit, means x equals 3y. So I'll shift this here, x minus 3y is 0. This is my first equation. Or you can keep it like this or directly isko substitute kar dena, wo bhi chalega. X is 3y. Direct substitution method use karke use put kar dena. Wo better hoga actually. Iski zarurat nahi. And then they are saying sum of the number and the unit digit. Sum of the number and the unit digit is 32. Number kya hota hai? Number matlab 10x plus y plus unit digit kya hota hai? Unit digit is y equals 32. Means 10x plus 2y equals 32. This is my second equation. Now instead of solving simultaneously, just substitute this x is equals to 3y in the equation. So this will become 10 into 3y plus 2y is equals to 32. You can easily get the answer here. So ye ho jayega 30y plus 2y equals 32. So 32y equals 32. So y equals 1. Aur agar y 1 mil gaya, to x kya hoga? X is 3y. So x is 3 into 1, that is 3. So x mil gaya. So your answer will be, your number is 31. Okay, this was the 15th sum, small sum. Now we are doing the 15th sum. A two digit number is such that the tens digit means x exceeds, see always remember, jabhi bhi aapko ye word aaya na, exceeds matlab minus sign dal dena, exceeds matlab minus sign. So tens digit exceeds twice the unit's digit by 2. Tens digit exceeds twice the unit's digit by 2. This is my one equation. Then second equation is, the number obtained by interchanging the digits. By interchanging the digits matlab kya number hota hai? 10x plus y. Number obtained by interchanging the digits is 5 more than, kisse 5 zyada hai? 5 more than 3 times the sum of the digits. So the number obtained by interchanging the digits is 5 more than, matlab 5 zyada hai, kisse 5 zyada hai? Sum of the digits, 3 times the sum of the digits. Okay, see, the number obtained by interchanging the digits is 5 more, kisse 5 zyada hai, 3 times the sum of the digits. So 3 times the sum of the digits mein jab aur 5 add karenge tab jaake hame interchange digit milega. Okay, so this is the equation. Okay, don't get confused, don't add plus 5 here. So, what did they say? It is 5 more than the sum of the digits. So, kisse 5 zyada hai? Isse. So, isme 5 add karna padega. Chote mein 5 add karte. Okay. Now, let's shift it here. I shift this 3x and 3y on the left hand side. So I am getting 10y minus 3y is 7y. X minus 3x is minus 2x equals 5. Just rearrange it. Pehle x rakhna, phir y. Equation 2.
ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना एंड ऐड कर देना दोनों इक्वेशंस को, यू विल गेट द आंसर। ओके, जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, यू विल गेट 2x माइनस 4y इक्वल्स 4, एंड देन नीचे ये दूसरा इक्वेशन इक्वल्स 5, और सिर्फ ऐड ही करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ऐड कर देना तो दिस 2x विल गेट कैंसल्ड। And then you solve it that 3y will be equal to 9, so you will get y is equals to 3. Ye part easy hai, I'm not focusing much on this part, this you already know, this part is important here. Okay, the interchanging digits is 5 more than 3 times the sum of the digits. सिक्सटीन सम, फोर टाइम्स अ सर्टन टू डिजिट नंबर, फोर टाइम्स अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर मीन्स 10x+5 इज 7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इज 7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। इंटरचेंज करने के बाद क्या नंबर मिलता है, 10y+x, so 4 times a certain number, 2 digit number is 7 times the number obtained by interchanging the digits. So isse mil jayega first equation, so this will be 40x plus 4y equals 70y plus 70x, 7x, so shift this here. फोर्टी एक्स माइनस सेवन एक्स इज 33x माइनस 4 माइनस 70 66y इक्वल्स 0। इस दोनों में से मैं 33 कॉमन ले सकता हूँ, आई कैन टेक 33 कॉमन योर 66 डिवाइड बाय 33 इज 2, नाउ दिस 33 विल कम डाउन, x माइनस 2y इक्वल्स 0 अपॉन 33। अब 0 अपॉन 33 क्या होता है, 0 अपॉन एनी थिंग इज 0, सो यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन सेज दैट, वेयर इज द क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, the difference between the digits is 4, difference between the digits is 4 means x minus y is 4, difference between the digits, sum hota to add karte, difference is 4, second equation, you can easily solve these two equation and get the answer, okay, your answer will be 8 and 4, so it will be 84, okay. 17th one, sum of a two digit number, किसका सम पूछ रहे, a two digit number and the number obtained by interchanging the digits, so interchange वाला number, मतलब sum of a two digit number and interchange number is 121, so a two digit number means क्या होता है, sum of a two digit number and the interchange number is 121, so two digit number means 10x+y and interchange number means 10y+x equals 121, 10x+x is 11x plus y plus 10y 11y equals 121, take 11 common, correct,
नाउ दे आर सेइंग इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 3, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3, सो टेक एक्स माइनस वाई इक्वल्स 3. सेकेंड इक्वेशन, जस्ट ऐड द इक्वेशन, इंस्टेंटली आंसर मिल जाएगा. ओके, सिर्फ ऐड करेंगे इक्वेशंस को तो क्या हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 14, सो x इज 7. x 7 मिल गया, और सब्सटीट्यूट कर लेना तो y भी मिल जाएगा. पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सम. एटीन्थ वन, अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, मतलब एक टू डिजिट नंबर मिल रहा है. टू डिजिट नंबर क्या होता है, 10x प्लस वाई, इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8. मतलब जो सम ऑफ द डिजिट्स है उसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द टू डिजिट नंबर. अ टू डिजिट नंबर इज when sum of the digits is multiplied by 8. So let's solve this. Shift this here. 10x minus 8x is 2x, y minus 8y is minus 7y, that is equals to 0. First equation. Second equation says It is also obtained by, मतलब a two digit number is also obtained by, कैसे obtained होता है, multiplying the difference of the digits by 14. So difference of the digits means x plus y, multiply the difference of the digits by 14 and adding 2. So and add 2. So the two digit number is obtained by multiplying the difference of the digits by 14 and adding 2. So, इससे मिलेगा सेकेंड इक्वेशन. प्लस टू, सो 10x प्लस वाई इक्वल्स, सॉरी शिफ्ट दिस ईयर, माइनस 14x प्लस 14y इक्वल्स टू 10x माइनस 14x इज माइनस 4x, वाई प्लस दिस इज 15y इक्वल्स 2. So this is my second equation. Now this equation and this equation I have to solve. So what should I do? I can make the x variable equal. The first equation ko 2 se multiply kar deta hu, 2 se. So ye ho jayega 4x minus 14y equals 0. Aur isko yahan likhta hu. So 4x cancel, minus 14 plus 15 is y equals 2. Y mil gaya 2. Ab x kaise milega, let's substitute in this equation. So 2x minus 7y hai na, to y ki jagah pe main likh deta hu 2. So 2x minus 14 equals 2. So x is 7. Correct, x 7 hai, y 2 hai. That means your answer is 72. Understood? Copy the sums neatly and see. Now we have completed the exercise, but you need to remember this word problems, as I said, are difficult. Okay, and it is not necessary that you will understand in one go, so you have to watch this video at least 2 to 3 times. Okay, while practicing, while doing the homework also, keep the video on and do start and keep doing the homework, because the more number of times you will listen to the explanation, you will understand better. ओके, सो यू नीड टू वॉच इट. एक बार करके डाउट ही आएगा फिर, तो समझ लेना कि ये वीडियो को आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा. वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट.
ओके, तो दो तीन बार देख के ही समझ में आएगा. ओके, सो टेक एडवांटेज, वीडियोज़ आर रिकॉर्डेड, यू कैन वॉच इट एज पर योर कन्वीनियंस, बट वॉच इट मल्टीपल टाइम्स. ओके, नेक्स्ट इन एक्सरसाइज 6F देर आर 10 सम्स. ओके, एंड द एक्सरसाइज 6G इज मिसलेनियस, सो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मिसलेनियस फॉर नाउ वील फर्स्ट फोकस ऑन एक्सरसाइज 6E एंड 6F. Those two are very important. First, we'll complete them. We have completed 6E. In 6F, you have different types of questions. You have questions based on age, then question based on ratios, and question based on money. These three types of questions are there, out of which this age sums are very important. Sums based on age are very important. Okay, that's it for today. Thank you.